हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और आज के लिए मैंने टॉपिक उठाया है रेशियो एनालिसिस। तो आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो हम करते क्या हैं, हर एक टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करे जा रहे हैं ताकि पेपर के टाइम हमारा किसी भी टॉपिक का आंसर ना छूटे और साथ साथ हमें पता चल जाए कि हम किस चैप्टर में वीक हैं ताकि हम उसे अच्छे से रिवाइज कर सकें। ठीक है, चलें अब आगे। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हमारी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनु जिंदल के नाम से। ठीक है, और अगर आप अपने परफॉर्मेंस को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप जल्दी से anujindal.in पे जाइए, anujindal.in पे बाय कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और बाय कोर्सेज पे ईएसआई सेक्शन पे जाके कोर्स में इनरोल कर लीजिए, क्योंकि एक पूरा पीडीएफ के थ्रू वीडियोज के थ्रू कंप्रिहेंसिवली पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड है। अब बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। रेशियो एनालिसिस बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर रहता है, बस हमें अपनी रेशियोज ऑन टिप याद रखनी है। पहला क्वेश्चन क्या है कि करंट रेशियो क्या है। देखो, करंट रेशियो एक सॉल्वेंसी रेशियो है, लिक्विडिटी रेशियो है या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। करंट रेशियो हमारी क्या है वो क्वेश्चन है। ध्यान से सुनना, जब हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो को टोटल चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रेशियो को टोटल चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी चार कैटेगरीज थी, तो जब हम रेशियो की बात कर रहे हैं, पहला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हम किसकी बात करते हैं, जो कंपनी की करंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, जो कंपनी की करंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, क्या उसके पास इनफ कैश है या नहीं है, वो सारी चीजें हमारी कहाँ चेक होती है, लिक्विडिटी रेशियो में। जैसे हमारा करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, क्विक रेशियो वगैरह हो गई। फिर उसके बाद आती है अपने पास लीवरेज रेशियो, या फिर जिसे हम सॉल्वेंसी रेशियो बोल देते हैं, कि लॉन्ग टर्म में उसके पास फंड्स हैं या नहीं है, कहीं वो इंसॉल्वेंट हो तो नहीं जाएगी। तो उसके लिए हमारा डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, वो वेरी हम सारी कैलकुलेट करते हैं। फिर अपने पास आती है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या बताती है, कि कंपनी की परफॉर्मेंस है या उसकी एफिशिएंसी कैसी है काम की। तो जो हमारी टर्नओवर रेशियोज होती हैं, जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, वो सारी एक्टिविटी रेशियोज के थ्रू बदलती है। और लास्ट होती है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, हम चेक करते हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, या कि हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो वगैरह वगैरह। तो इसमें से हमारी करंट रेशियो कौन सी, करंट रेशियो है हमारी लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि हमारी करंट ऑब्लिगेशन बताती है, हमारी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विडिटी रेशियो। तो अगर आप हमारे मेरे साथ एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हो तो करो क्या, एक ब्लैंक पेज ले लो, उस पे अपने आंसर्स देखते जाओ। हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और चेक करो कि आपके कितने आंसर्स ठीक होते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, हाँ भाई इतने आंसर ठीक हो रहे हैं। अगर कम आंसर ठीक हो रहे हैं तो उस पॉइंट्स को या उस फॉर्मूलेज को रिवाइज करो, और अगर बहुत ही कम ठीक हो रहे हैं तो चैप्टर को पूरे को रिवाइज करो और कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल कर लो, प्रैक्टिस कर लो, जिससे आपको फॉर्मूले याद हो जाए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिक्विडिटी रेशियो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड एसेट्स गिवन है 5 लाख, करंट एसेट्स गिवन है 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 4 लाख, रिजर्व्स गिवन है 2 लाख, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है 40,000। प्रोप्राइटरी रेशियो निकालनी है। प्रोप्राइटरी रेशियो कौन सी होती है, अभी बताया था, प्रोप्राइटरी रेशियो होती है हमारी लीवरेज रेशियो या सॉल्वेंसी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो का, प्रोप्राइटरी फंड्स कौन से हो गए हमारे, जो इक्विटी होल्डर मतलब शेयर होल्डर्स के फंड होते हैं, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन में टोटल एसेट, ये फॉर्मूला होता है। अब प्रोप्राइटरी एसेट, प्रोप्राइटरी फंड्स कौन कौन से हो गए, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं गिवन, रिजर्व्स गिवन है 2 लाख का, टोटल हो गया हमारे पास 6 लाख रुपीज। ठीक है, ये हमारे प्रोप्राइटरी फंड्स हो गए।
फिर हम बात करते हैं टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को और करंट एसेट्स को ऐड कर देते हैं, यही हमारे पास अभी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो 5 लाख प्लस 3 लाख ये हो जाएगा हमारे पास 8 लाख, 8 लाख रुपीज हमारे टोटल एसेट्स हो। टोटल एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स ये आ गई हमारे पास, ये कट गया, ये आ गया हमारे पास 6 3 5 4, ये आ गया और जो कि होता है हमारा 75 करोड़। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 75%। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है 75,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है 1,05,000 की, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्वेश्चन है, 6 दे रखा है हमें ग्रॉस प्रॉफिट, दे रखा है 20% ऑफ द कॉस्ट, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है हमें, कितनी गिवन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कितनी गिवन है हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 6। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं सर, एवरेज स्टॉक निकालते हैं ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन में 2, ओपनिंग कितना है 75,000, क्लोजिंग कितना है 1,05,000 अपॉन में 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1,80,000 अपॉन में 2, ये हमारा आ गया 90,000। ठीक है ना, तो इसको मैं अगर यहीं लिख देता हूँ, कंटिन्यू कर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में 90,000, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 90,000 इंटू 6 जो कि हो गया 5,40,000, है ना, 5,40,000 हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अपनों ने बोला जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है कॉस्ट का और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, तो इसका 10% हो गया 54,000 और 20% क्या हो जाएगा 54 का डबल 1,08,000, तो 1,08,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1,08,000। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Cash are especially interested in the average payment period. Average payment period keyword है यहाँ पे, since it provides them with a sense of bill paying pattern of the firm. पहला question, तो average payment period क्या होता है? फिर दूसरा question क्या पूछ रहा है कि किसके लिए average payment period जानना जरूरी है? किसके लिए interested होते हैं? कौन से लोग? ये कौन से stakeholders interested होते हैं हमारे average payment period के? तो average payment period क्या होता है कि एक firm अपनी payment कितने time में कर रही है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पेमेंट पीरियड का, 365 अपॉन में क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, और ये हमारी निकलती है किस में है? जो भी आंसर आएगा डेज में आएगा। लेट सपोज अगर आंसर आ रहा है 15 डेज, तो ये क्या बताता है, 15 डेज क्या बताता है कि जनरली फर्म अपना 15 डेज में पेमेंट कर देती है किसी भी क्रेडिटर को, है ना, यही होगा। अब ये जानना किसके लिए जरूरी है, क्या किसी कस्टमर के लिए जानना जरूरी है कि अपने जो वो है उसको कितनी देर में पेमेंट मिलती है? जस्ट स्टॉक होल्डर्स को जानना जरूरी है, या लेंडर्स और सप्लायर्स को जानना जरूरी है, या बोर्ड और बोरोवर्स और बायर्स को जानना जरूरी है? किसके लिए जानना जरूरी है कि कंपनी कितने टाइम में पेमेंट कर रही है? इसका ऑब्वियस आंसर है कि भाई जो कंपनी को गुड सप्लाई कर रहा है या जिसने कंपनी को पैसे लेंड करे हैं उसको जानना है कि भाई मेरे को कितनी देर में पेमेंट मिल जाएगी। सप्लायर ने लेट्स सपोज क्रेडिट में माल दिया, मटेरियल दिया, गुड्स दिए, उसको जानना है कि भाई अगर मैं आज इनको गुड्स बेचूंगा तो मेरे को कितने दिन में पेमेंट्स मिल जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लेंडर एंड सप्लायर। अब एक चीज और याद रखना, क्या अगर यहाँ पे 12 हो तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर मंथ्स में निकलेगा। ठीक है, मतलब जितना टाइम पीरियड हम रखेंगे ऊपर उतने में निकलेगा, हमें 365 रखा तो वो डेज है तो वो डेज में आंसर निकला, 12 रखेंगे तो मंथ्स में आंसर निकला। अच्छा एक चीज और, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बता दो फिर जल्दी से, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जल्दी से माइंड में रिवाइज करो, क्या था, क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज अकाउंट पेबल, एवरेज अकाउंट पेबल,
ठीक है, सॉरी। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लेंडर एंड सप्लायर। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। लास्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट ऑफ अ कंपनी आर 360,000, इट्स करंट रेशियो इज 3, लिक्विड रेशियो इज 0.9, द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स विल बी। हमें लिक्विड एसेट्स निकालने हैं और इस बार दो रेशियोज दे रखी है। देखो जो हमारी करंट रेशियो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। अब हमें करंट रेशियो दे कितनी रखी है, 3 दे रखी है। करंट एसेट्स कितने दे रखे हैं, 360,000। अपनी करंट लाइबिलिटीज कितनी आ गई, हो जाएगा 1,20,000। करंट लाइबिलिटीज आ गई हमारे पास 1,20,000। अब हमारे पास क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो कितनी दे रखी है, लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो की बात हो गई। क्या होता है उसका फॉर्मूला, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये 0.9 दे रखी है। लिक्विड एसेट्स तो हमें निकालने ही हैं और करंट लाइबिलिटीज अभी हमने निकाला 1,20,000, तो 0.9 × 1,20,000 ये हमारे पास आ जाएंगी लिक्विड एसेट्स। ये अमाउंट हो जाएगी 9,218,918, ये आ जाएगा हमारे पास लिक्विड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, 1,08,000 लिक्विड। ठीक है, सिंपल सा दो रेशियोज को यूज करना है। अगर हमें रेशियोज याद होंगी तो ये चैप्टर में हमें कोई नहीं रोक सकता, इस चैप्टर का एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन हमसे नहीं रुकेगा। ठीक है, चलें अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे देना है कमेंट बॉक्स पे, क्या है, क्विक रेशियो डूड नॉट इंक्लूड। क्विक रेशियो में क्या नहीं आता इन चारों में से, कैश इन हैंड, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल। क्विक एसेट्स में, सॉरी, क्विक एसेट्स कौन से होते हैं, वही लिक्विड एसेट्स अपने। तो हम करंट एसेट में से कौन कौन सी चीज़ों को माइनस करते थे ये याद करो, और उसमें से अगर कोई भी आइटम है तो उसे टिक कर दो। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, याद रखना थर्सडे को 2 बजे। बाय बाय।